Question number 25. The light is incident at an angle 45 degree with normal to a root 2 cm thick plate. बाद में क्या हो रहा है तुम लोगों का? इनका हो गया वो लोग आगे करो, ठीक है? लेकिन बात नहीं, आज इनका नहीं हुआ, लोग देखा इधर। Thickness is root 2 cm. Now refractive index is 2, ठीक है? And light is incident at 45 degree पर incident हुआ। एंड इस तरह से ऐसे जाएगा, कितना शिफ्ट हुआ ये निकालना, हाउ मच इट हैज शिफ्टेड, ठीक है? तो सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि आई दिया हुआ है, आर कितना हुआ, साइन आई बाय साइन आर इज व्हाट, म्यू साइन आई, साइन आई इज 45 डिग्री एंड साइन आर equal to mu, mu is 2, so sin r is how much, 1 by, ये root 2 हो जाएगा, by 2, 1 by 2 root, this is sin r, now we have got this value r, ठीक है? अब क्या करेंगे, ये r निकल गया, ये पता है, thickness मालूम, can you find this value, suppose this is a, b, what will be a, b? AB कितना होगा? समीर बताओ, what will be AB in terms of thickness? AB in terms of thickness? T sec R, ठीक है? लिखेंगे ये T sec R. अब देखो, T का value root 2 cm है. Sec R is what? 1 by cos and we have the value of sin. So can we write sec as 1 minus sin square r, लिख सकते हैं, उसको sin में convert कर रहे हैं, now sin is given, 1 minus sin का value कितना है, 2 root 2, if you solve it, you will get root 2 divided by 1 minus 1 by 8, कितना जाएगा, root 7, so 4 by root 7 is the AB, now AB is 4 by root 7, now how much this value will be, this shift, this will be I minus R, ठीक है? तो AB का अगर हम लोग sin करें, this will be shift, the shift will be AB sin I minus R, ठीक है? अब इसको क्या करते हैं, r तो हम लोग sin r, हम लोग ab निकाले हैं, r का वैल्यू जो है पता नहीं ऐसे, तो sin r पता है, तो कैलकुलेटर अगर नहीं यूज करना है तो हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ज्यादा आसानी होगी, ab is 4 by 7 एंड एक्सपेंड द sin, तो sin r sin i cos r माइनस cos I sin R, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4 by root 7 sin I cos R, sin I कितना होगा? 45 degree है ना? 1 by root 2 sin cos R, cos R कितना होगा? यहाँ निकालें, cos R बताओ? Root 7 by 2 root 2, ठीक है? माइनस cos I 45 डिग्री 1 by root 2 sin R is 1 by 2 root 2, how much you will get? 4 by root 7 पूरा common ले लेंगे बाहर, तो जाएगा 1 by 4 and root 7 minus 1, so how much you will get?
root 7 minus 1 by root 7 or 1 minus 1 by root 7. कितना हो जाएगा root 7 by 7 फाइनल कितना आ रहा है 0.62 ठीक है ये है सूत्र इस तरीके से निकालना है देखो क्या लिखा है 29 में हो गया तुम्हारा 28 तक हो गया देखो 29 में लिखा है ध्यान दो इधर लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू एयर ठीक है स्केच द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा विद इंसिडेंस एंगल आई देखो कैसे करेंगे हम लोग को दिया हुआ है कि ग्लास है एंड ग्लास से एयर की तरफ जा रहा है ठीक है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है ग्लास का 1.5 एंड इस तरह से ऐसे रे जाएगा एंड दूसरे साइड ऐसे इस तरह से एग्जिट होगा ठीक है एंड हम लोग को ड्रॉ करना है ग्राफ का ग्राफ किस चीज का ड्रॉ करना है डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पर आई दिया हुआ है ठीक है अब देखो हम लोग को जो डेल्टा आएगा वो क्या होगा दैट विल बी ये आर है सो विल द डेल्टा बी आर माइनस आई क्योंकि देखो ओरिजिनल पाथ ये है और इतना बेंट कर गया तो एक्स्ट्रा जो है दिस इज डेल्टा विल दिस बी आर माइनस आई जितना डेविएशन होता है ना ओरिजिनल पाथ से दैट इज कॉल्ड द डेविएशन एंगल सो दिस इज R minus I. This thing we have to plot. अब देखो क्या होगा. Start from angle 0 से लेकर 90 तक करना है. लिखा हुआ question नहीं. We have to plot from 0 to 90. So if we take 90 किधर से भी करते. मान लो 90 से start किए. 0 से start किए. Because 0 पर normal incidence होगा and ray will go undeviated. तो 0 से start किए. So at I equal to 0, deviation will be 0. एक पॉइंट तो यहां पर आया नाउ इफ वी स्टार्ट बेंडिंग दिस लाइट ऐसे ऐसे मान लो एंगल बढ़ाने लगे तो क्या होगा ये भी बढ़ने लगेगा ठीक है बढ़ता जाएगा टिल द टाइम वी रीच द क्रिटिकल एंगल आई इक्वल टू क्रिटिकल एंगल टिल दैट टाइम वी रीच द आई इक्वल टू क्रिटिकल एंगल बाय द सेम टाइम दिस रे विल बेंड फ्रॉम from the direction of normal to the perpendicular to normal ठीक है और along the surface it will bend तो यहाँ से सीधा सीधा गया और ये 0 से 90 तक आ गया यानी कि जो deviation होगा अभी मान लो लोग यहाँ पर 90 यहाँ लिखते 90 डिग्री का deviation तो start होगा और obviously ये linearly तो नहीं होगा linear relation तो है नहीं लेकिन कैसा होगा तो एक approximate हम लोग लिख सकते हैं थीटा सी तक लिखते हैं थीटा सी ठीक है इस तरह से मान लो ऐसे लिया गया कर्व 90 तक जाएगा ठीक है अब ये कर्व कैसा होगा ये ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा ऊपर से ही जाना चाहिए नीचे से ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट तो हो सकता है ऐसे होना चाहिए ग्राफ मैं बता रहा हूँ इस तरह से कुछ होगा ऐसे बता रहा हूँ क्यों होगा देखो ये हो गया अब देखो आफ्टर दिस पॉइंट वंस द क्रिटिकल एंगल हैज रीच्ड व्हाट विल हैपन ऑल ऑफ अ सडन द रे विल गेट विल स्टॉप गेटिंग ट्रांसमिटेड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड ठीक है तो रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन बताओ दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन ठीक है दिस आई एंड दिस इज सेम सो एंगल ऑफ डेविएशन इज नाउ 180 डिग्री माइनस 2y ठीक है 180 डिग्री माइनस 2y एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 180 डिग्री माइनस 2 थीटा c इनिशियली तो i थीटा c है ना जब ये रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ सो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा c ऑब्वियसली दिस डेविएशन विल बी लार्जर देन द इनिशियल वन सो अचानक ऊपर से स्टार्ट होगा कहीं से डिसकंटिन्यू होगा यहां पर ग्राफ ठीक है एंड आफ्टर दिस इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस फर्दर जैसे ये 0 तक आएगा
90 तक जाएगा, ये क्या होगा, धीरे-धीरे घटता-घटता जीरो हो जाएगा। और इस केस में लीनियर रिलेशन आएगा यहां पर। लीनियर क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, इस टू एंगल्स आर इक्वल और ये लीनियरली घटेगा। ये देखना ऐसे घटेगा, 90 तक जाते थे जीरो, ऐसे घटेगा, लीनियरली घटेगा। व्हाई लीनियरली, बिकॉज़ एज वी चेंज आई बाय सम अमाउंट, बाय द सेम अमाउंट दिस दिस डेविएशन विल चेंज। देख लो प्रोपोर्शनल रिलेशन है, लीनियर स्ट्रेट लाइन आएगा, इज इट स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ऐसे ये स्लोप 2 हो फॉर माइनस 2, ठीक है, इसका का ग्राफ जाएगा, ठीक है, समझे, ऐसा होगा ग्राफ, समझ में आया। इसमें यहां पर जो ग्राफ है देखो ऐसा बन रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है, देखो इसका रीजन क्या है, जैसे जैसे हम लोग एंगल को बढ़ाते जाएंगे ना, यहां से यहां आएंगे ना, ज्यादा तेजी से चेंज करेगा ये, ठीक है। वैसे मुझे इंट्यूटिवली ये चीज लग रहा है, अब जैसे इसको थोड़ा सा चेंज करें तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, शुरू-शुरू में ऑलमोस्ट इक्वली होगा दोनों का शिफ्ट, मतलब अगर हम 0 डिग्री पर आ जाए ना, इंसिडेंट 0 हो जाए, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आई कितना शिफ्ट होगा, आर नियरली इक्वल अमाउंट में शिफ्ट होगा। फॉर अ स्मॉल एंगल हम लोग म्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई बाय आर स्मॉल एंगल के लिए। तो शुरू-शुरू में जो आई है और आर है ये रिलेशन है, और r equal to क्या लिखेंगे बताओ, i by mu, यानि अगर डेल्टा लिखा जाए क्या लिखें, r minus i, so अच्छा mu तो इधर से उधर जा रहा है ना, उल्टा नहीं होगा, ठीक है, I into mu minus 1, ठीक है, शुरू में ये होगा, लेकिन बाद में स्मॉल एंगल के लिए शुरू-शुरू में ये डेल्टा डायरेक्ट दिख रहा है आपको, जैसे-जैसे I बढ़ा रहा है सेम अमाउंट में प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, यानी कि यहां भी प्रोपोर्शनल रिलेशन आएगा शुरू में, ऐसे 45 डिग्री से स्टार्ट होगा, नहीं 45 नहीं, स्ट्रेट लाइन रहेगा, बट ये mu का वैल्यू 1.5 है ना, तो ये कितना रहेगा, कितना आ जाएगा घटाकर बताओ, 0.5 i, ऐसे प्रोपोर्शनल चलेगा शुरू में स्ट्रेट लाइन रहेगा, ऐसे ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है एंड बाद में कितना हो जा रहा है, ये थीटा c का वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो यही तक आज हम लोग करते हैं। द रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर व्हिच देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब दो इंसिडेंस के लिए एक ही डेविएशन ऐसा, तो हम लोग इसमें देखो कैसे इसको करेंगे, किसी का हुआ ये क्वेश्चन, देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग कंसीडर करते हैं डेविएशन एंड इंसिडेंस का ग्राफ, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है, तो उसी को एक बार दोबारा देखते हैं। तो देखो इफ ray will go like this, then what will be deviation, we are plotting deviation with angle of incidence, angle is 0, then deviation is 0, we yahan par aaya, then now we keep on increasing the incidence angle, then what we will have till it reaches to critical angle, this will be reach to 90 degree, angle of deviation will be what, 90 minus theta c, because this is the original path of the ray and this extra path is 90 degree minus theta c, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारा किस तरह का ग्राफ आया था, हम
लोग कितना तक जाएगा थीटा सी तक टिल द एंगल बिकम्स थीटा सी इस तरह का कुछ ग्राफ मान लो ऐसे जाएगा मान लो ऐसे गया यहां तक ठीक है कैसे अच्छा आप इधर से गया था लास्ट क्लास में उसको देखे थे लास्ट क्लास हम लोग लास्ट में कुछ लोग चले गए थे फिर हम लोग उसको डिस्कस किए थे ठीक है तो ग्राफ का जो टाइप है इस टाइप से आएगा हम लोग उसको डिफरेंशिएट करके स्लोप लोप निकाल के चेक किए थे whether the graph will be looking like this or like this so graph is like this and after critical angle के बाद क्या होगा it will get reflected reflected means the angle of deviation is how much angle of deviation is how much कितना होगा देखो ये थीटा सी है ठीक है ये आई ले लो आई अब तो आई बन गया थीटा सी के बाद का बात करते हैं This is I, this is I. This is how much? देखो पूरा 180 है ना? तो 180 minus 2I. So we can write now angle of deviation as 180 degree minus 2I. ठीक है? And this deviation will be obviously more than this deviation. ये ज़्यादा होगा. और यहाँ से ऐसे start होगा मान लो यहाँ से 180 minus 2I. अब क्या होगा इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द एंगल फाइनली दिस रे विल बिकम लाइक दिस ऐसे और फाइनली जब ये 0 डिग्री जब ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगा तब क्या होगा ये वैसे ही आगे चला जाएगा यू विल नॉट हैव एनी डेविएशन सो वी विल हैव समथिंग लाइक दिस ऐसे आएगा ठीक है इस ग्राफ का स्लोप देखो क्या होगा डेविएशन के टर्म अगर लिखे डी बाय सॉरी डी डेल्टा बाय डी आई What is the slope? Minus 2. The slope is minus 2. And यहाँ पर value कितना होगा? 90 degree. When the angle of incidence is 90, we get 0 deviation. ठीक है? Okay. Now question 30. What does the question says? क्या निकालना है? Range of angle of deviation for which there are two angle of incidence. तो एंगल ऑफ डेविएशन रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन देखो यहां तक हमारे पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है देखो अगर यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करो फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस वी आर हैविंग दिस डेविएशन आर यू गेटिंग फॉर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज दिस इज 25 डिग्री और ये हो सकता है 75 ये कुछ भी हो सकता है मान लो 81 डिग्री दिस टू आर हैविंग सेम एंगल ऑफ डेविएशन मान लो डेविएशन हो गया 5 डिग्री ऐसे कुछ मतलब बता रहा सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इसका बताना है रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ना एंगल ऑफ डेविएशन का रेंज बताना है सो वी हैव टू टेल दिस वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो थीटा सी के कोरस्पोंडिंग तो थीटा सी के कोरस्पोंडिंग कितना है डेविएशन दिस इज 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा सी ये हो जाएगा दिस इज द आंसर द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर व्हिच देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टू 90 माइनस थीटा सी ठीक है समझ में आया और बोलो इतना से काम तो ऐसे नहीं चलता है मिनिमम इतना तो है इतना तो करना ही पड़ेगा 33 नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 33 ए कंटेनर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर सो वी विल ड्रॉ द डायग्राम आल्सो ए कंटेनर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर एंड देयर इज अ पॉइंट सोर्स एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ कंटेनर देयर इज अ पॉइंट सोर्स एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ कंटेनर ए रबर रिंग ऑफ रेडियस आर फ्लोट्स सेंट्रली ऑन द वाटर रबर रिंग फ्लोट्स हियर ऑन द वाटर सरफेस The ceiling of the room is 2 meter above the water surface. Ceiling of the room. Suppose this is the ceiling. The ceiling of the room is 2
2 मीटर अबव द वाटर सरफेस लिखा ना, अबव द वाटर सरफेस फाइंड द रेडियस ऑफ शैडो ऑफ द रिंग फॉर्मड ऑन द सीलिंग इफ आर इज 15 सेंटीमीटर इफ दिस आर इज 15 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ शैडो यहां पर सीलिंग पर शैडो बनेगा ना नीचे लाइट सोर्स है शैडो बनेगा तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ शैडो ऑफ द रिंग फॉर्मड ऑन द सीलिंग फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर व्हिच shadow of the ring is formed on the ceiling refractive index of water is to dekho yahan par kya kya question hai jo question kya hai we have a ring here of 15 cm radius we have a light source because of this light we will have a shadow formed on the ceiling ठीक है and what will be radius of this shadow that is asked and next part is what will be the maximum radius of ring so that no shadow is formed on the ceiling ठीक है तो देखो क्या होगा suppose अभी shadow form हो रहा है तो देखो क्या होगा ऐसे मान लो ray आया ray जैसे यहाँ तक strike करेगा लेकिन बाहर निकलने का तो क्या होगा तो ऐसे bend होगा ना बाहर की तरफ ठीक है bend होगा So, by using that concept, we have to find the radius of shadow. ठीक है? अब देखो, इसका कितना refractive index? 4/3. ठीक है? Refractive index is 4/3. Now, this depth is known. This is known. So, what will be this angle? R. This angle is I. So, can we write sin I by sin R equal to 1/mu because mu is given for the first medium. Okay. So sin I by sin R. What is sin I? This is 20 and this is 15. What will be this angle? This is 20 and this is 15. ये angle कितना होगा? 37 होगा. 3, 4, 5 का ratio जो होता है triangle का क्या होता है? 4, 3 and 5, 37 degree. पता है? तो sin 37, क्योंकि ये 3 है और ये 4 है, 15 है या 20 है, ठीक है? That's what we are writing here. Sin R equal to 3/4. So sin R equal to 4/3. Sin 37. How much is sin 37? 3/5, so we will have 0.8, और R is how much? 53 degree. R is 53 degree. This angle is 53 degree. Yeah. Now, what is distance from here to there? यहाँ से यहाँ तक का distance. क्या होगा बताओ? कैसे निकालेंगे? Angle मालूम है? This height is how much? 2 meter. कैसे निकलेगा? 2 meter 10 R will be equal to this. Suppose this distance is x. This is not the radius. This is not the radius. Radius के लिए add करना उसमें और भी. तो कितना आएगा? X को लिखते हैं. What will we have? 2 10 R. 1053 is how much? 8/3. So this is 8/3 from here to here. Now from here to here, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर. तो total कितना हो जाएगा radius? 15 सेंटीमीटर plus 8/3. ठीक है? कितना आ जाएगा? इस सेंटीमीटर कैसे लिख सकते हैं? Can we write as 3/20 लिख सकते हैं 8/3 सॉल्व करो 69 प्लस
meter. So this is the radius. ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? सन्नी? Okay, next part में क्या है? Next part you have to find the maximum radius of ring so that there is no image formed. तो वो कैसे निकालेंगे? Maximum radius के लिए क्या करेंगे? कि जब ये angle critical angle हो जाए, when this angle becomes critical angle or larger than critical angle, the ray will not go on the other side. ठीक है? The ray will not go on the other side. So we will not have any shadow. Question second part is find the maximum value of R for which shadow of the ring is formed on the ceiling. हाँ, maximum radius for which it is formed. मतलब उससे ज़्यादा होगा तो नहीं form होगा. वही चीज़ है. ठीक है. The maximum radius for which this is formed on the ceiling. The shadow is formed on the ceiling. For not forming the shadow. If you, if radius is larger, we will not have any shadow formed on the ceiling. ठीक है? तो उसको कैसे check करेंगे? तो ये angle जो होगा, that should be equal to theta c. बस यही चीज़ करना है. तो theta c के लिए क्या करेंगे? That angle should be theta c. So we'll write sin theta c is equal to 1 by mu or by 4. So this is the sin theta. Okay. Okay. Now what is radius in this case? मान लो इसको R C लिखते हैं, critical radius. ठीक है? R C. R C will be how much? Will it be 20 tan theta C? 20 centimeter tan theta C. होगा? ठीक है? We can write like this. So 20 centimeter means नापी को centimeter में करने तो 20 centimeter and tan theta c can be written as sine by cos and sine is known and cos we can write in terms of sine. So 20 centimeter and by 4 1 minus 3 by 4 square. कितना जाएगा? 3 by root 7, 20, 3 by